35 साल बाद लौटा एक प्लेन जो यात्री नहीं कंकाल लेकर कर रहा था सफर। हम आप सभी हवाई सफर तो करते ही हैं। हम और आप आसमान में उड़कर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, खासकर अपना समय बचाने के लिए और यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि आसमान जिस पर हम सफर करते हैं ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। हमें लगता है हवाई सफर पर हम सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसी फ्लाइट का किस्सा जो पूरे एक दो नहीं बल्कि 92 कंकालों को लेकर सफर कर रही थी। ये स्टोरी फ्लाइट नंबर 513 का है, जो सेटिंगो की फ्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। जी हाँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चल सका। कई सारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फ्लाइट के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है, उसमें बैठे सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। दिन था 12 अक्टूबर 1989। एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं दी गई थी। लेकिन अचानक इस तरह से आ रहे फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं कंकाल सफर कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड की इस फ्लाइट में एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे। लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी और इसके पायलट कैप्टन मिगवेल का हाथ कंट्रोलर पर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अभी भी वॉर्म होल्स हैं और कहीं न कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो गया और उसके बाद इतने सालों बाद लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों को पता चला। मैं सोचता हूँ अगर मैंने गेट खोला होता और वो पायलट बोलता, और क्या हाल चाल भाई, तो क्या होश होते हमारे, क्या हुआ होता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको थोड़ा बहुत ही मज़ा आया? अगर आया तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसी फ्लाइट में सफ़र नहीं करते। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।